आइए, आज तक चैप्टर 20 आपका ट्रांसलेशन जो है, एक्सीलेंट ग्रामर की बुक है जो कक्षा 10 की, उससे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जो भाव हिंदी वाक्य द्वारा व्यक्त हो रहा हो वही भाव अंग्रेजी वाक्य के द्वारा व्यक्त होना चाहिए। हिंदी के शब्दों का अंग्रेजी के शब्दों में रूपांतर कर देना ही मात्र अनुवाद करना नहीं कहलाता, ठीक है। तो मतलब यह ध्यान देना चाहिए कि हिंदी के वाक्यों में जो व्यवस्था होती है वह अंग्रेजी के वाक्यों में नहीं होती। अंग्रेजी अनुवाद के लिए हमें सबसे पहले उस वाक्य का कर्ता फिर क्रिया ढूंढ लेना चाहिए। मतलब अंग्रेजी वाक्य बनाते समय क्या, कल आपको बताए थे ना, तो जब ऑफलाइन पढ़ा रहे तो उसमें क्या कल की क्लास बताए थे, पहले हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तब वर्ब रहता है लास्ट में, लेकिन अंग्रेजी में सब्जेक्ट फिर वर्ब तब ऑब्जेक्ट रहेगा, जो बच जाएंगे अन्य शब्द वो लास्ट में रहेंगे। तो इस तरह से आपको क्या बताया जा रहा है, बुक में आपके दिया गया है अंग्रेजी बनाते समय हिंदी से, ये नहीं कि सेम टू सेम बताया क्या जा रहा है। अभी शुरुआत में आपको क्या बताया गया किताब में कि शब्द का ज्यों का त्यों आप ट्रांसलेशन कर दोगे तो वो अच्छा ट्रांसलेशन नहीं माना जाता, भाव के हिसाब से बदल के करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम और कुछ उदाहरण बता दे रहे हैं, जबकि इंटरमीडिएट की ग्रामर की बुक में दिया गया एक्सीलेंट में, जैसे उसमें एक वाक्य है मेरा सिर चक्कर खा रहा है, तो उसका ट्रांसलेशन दिया था दो वाक्य दिया था, एक गलत एक सही। तो लोग गलती कैसे करते हैं, शब्द के हिसाब से बदल के कहते हैं माई हेड इज ईटिंग सर्कल, मेरा सिर ईटिंग खा रहा है, सर्कल माने चक्कर, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर खाता होता नहीं है। तो इसका सही ट्रांसलेशन है आई एम फीलिंग गिडी, फील गिडी माने तो चक्कर आना, मेरा सिर चक्कर खा रहा मतलब मुझे चक्कर आ रहा है, मतलब मैं चक्कर आना महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग मैं महसूस कर रहा, गिडी माने तो चक्कर आना, क्लियर। उसमें एक और वाक्य दिया गया एक्सीलेंट की बुक में, मेरा दिल बाग बाग हो गया, तो उसका ट्रांसलेशन ये नहीं होगा माई हार्ट मेरा दिल बीकेम हो गया गार्डन गार्डन, गार्डन गार्डन नहीं, मेरा दिल बाग, दिल बाग बाग थोड़ी होता है, गार्डन थोड़ी होता है, मेरा दिल बाग बाग होना ये एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है आई बीकेम ओवर ज्वाइड, ओवर ज्वाइड माने बहुत खुश होना, मैं बहुत खुश हो गया, बाग बाग होना माने बहुत ज़्यादा खुश होना। तो इस तरह से ये चीज़ समझाने का प्रयास किया गया, आप इसको पढ़ेंगे पूरा हिंदी, इसमें ये बातों पर ध्यान देने के लिए कहा गया, ठीक। तो इस तरह से शब्द के हिसाब से भी हमेशा नहीं करना चाहिए, उसका सेंस समझ के करना चाहिए। जब किसी शब्द का मीनिंग आपको ना आता हो इसका क्या होगा, हास्यप्रद लग रहा है, तो उसको आप भाव समझ के ट्रांसलेशन करिए, यही बताया गया। तो मेन बात यह कि सबसे पहले हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय आप सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर वर्ब लिखिएगा, फिर ऑब्जेक्ट उसको बाद लिखिएगा, फिर अदर वर्ड लिखना। इसमें यह भी बताया गया कि अनुवाद करते समय क्रिया पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्रिया देखकर वाक्य के टेंस का पता लगा लेना चाहिए, फिर उसी टेंस के अनुसार क्रिया की फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए, जिस टेंस में है उसी हिसाब से वर्ब की फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो जहां लगना। और उसके बाद क्रिया का एक वचन बहुवचन रूप अपने कर्ता के अनुसार होता है, तो पता है एक्टिव तथा पैसिव वॉइस के अनुसार भी क्रिया की सहायक क्रिया के स्वरूपों का ध्यान रखना चाहिए। यह भी ध्यान देना एक्टिव वॉइस में तो टेंस के अनुसार बनेगी ट्रांसलेशन, पैसिव वॉइस में है तो तब भी टेंस के अनुसार उसका पैसिव रूप होगा। जैसे पैसिव वॉइस में क्या होता है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म होता है, एक्टिव वॉइस में इज एम आर के साथ आईएनजी होता है, अगर कोई अलग से मेन वर्ब नहीं है तो इज एम आर ही रहता है, वॉज वर ही रहता है। ये सब भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये सब ट्रांसलेशन करते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसको आप खुद पढ़िएगा फिर से। इसके अतिरिक्त पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिन शब्दों का अध्ययन किया गया है वे शब्द भी नियम अनुसार वाक्य में रखे जाते हैं, ठीक। मतलब नाउन की जगह नाउन लिखिए, वर्ब की जगह वर्ब लिखिए, और जिन वाक्यों में क्लास दी है उसमें क्लास से संबंधित नियमों का ध्यान रखना। क्लास माने होता है कि आज जब दो वाक्य को जोड़ दिया जाता है, बड़ा वाक्य तो उसमें कंजक्शन से जोड़ दिया जाता है, तो एक कंजक्शन से रिलेटेड लेकर एक वाक्य होता है, एक बिना कंजक्शन के, उसमें दो क्लास इस तरह से बन जाते हैं, ठीक। और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बनता है, इस प्रकार से करोगे तो शुद्ध वाक्य बनेगा, उसके द्वारा एक शुद्ध और एक परिपूर्ण भाव व्यक्त होता है। भाव मतलब जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो उसे वाक्य कहते हैं, तो इसलिए पूरा सेंस निकलना चाहिए। अंग्रेजी अनुवाद करते समय अति महत्वपूर्ण बात यह है कि शब्द ज्ञान पर्याप्त होना चाहिए, शब्दों की स्पेलिंग भी ठीक ठाक होनी चाहिए, ये नहीं कि स्पेलिंग गलत लिख दोगे तो आपका ट्रांसलेशन गलत, इस पर भी ध्यान देना है। इसका पूरा अध्ययन इस किताब में दिया गया, देखिए इस अध्याय में क्रियाओं तथा व्याकरण के उन सभी प्रयोगों का क्रमवार अध्ययन दिया जा रहा है अनुवाद के लिए जो आवश्यक है। इस तरह से सभी नियम इसमें दिए गए हैं, वर्ब दिए गए हैं, टेंस भी दिया रहेगा, सब कुछ इसी ट्रांसलेशन के चैप्टर में आपको आएगा। और अनुवाद बहुत ज़रूरी है क्योंकि अनुवाद आता है आपको हिंदी से अंग्रेजी बना लेंगे, क्वेश्चन भी बना के लिख सकते हैं, नहीं याद है, और हिंदी से अंग्रेजी आ गया तो अंग्रेजी से हिंदी आप किताब का भी अर्थ अच्छे से निकाल लेंगे। अब निबंध बना बना के लिख सकते हैं, अनसीन पैसेज जो आएगा तो उसका भी आप समझ के, यानी कि हर जगह आप आंसर दे सकते हैं। इसलिए ग्रामर और मीनिंग यही दो मेन होता है, तो इससे आप किताब भी पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, हाँ अंग्रेजी में बात भी करना है तब भी आप ग्रामर के हिसाब से वाक्य बना के बोल भी सकते हैं।
तो देखते हैं, पहला आपका चैप्टर में पहला टॉपिक दिया है इज एम आर वाज वर्ग का प्रयोग। तो अब कल हम लिखाए थे आप लोगों को मूल क्रिया बी होती है, इसमें बी बी माने क्या होता, होना, इसको बताए थे मूल क्रिया होती है। यहाँ देखिए दिया गया, आप ध्यान से देखिए, प्रेजेंट टेंस में बी का स्वरूप इज आर एम होता है, मतलब बी माने होना, इज एम आर माने भी होना होता है। जहाँ कर अलग से कोई क्रिया जिस वाक्य में नहीं रहती है, वहाँ होना की अंग्रेजी इज एम आर में से एक आता है। जैसे हम कहते हैं दूध सफ़ेद होता है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, मिल्क इज वाइट, मिल्क माने दूध, इज माने होता, वाइट माने सफ़ेद, इस तरह से ना इज माने होना भी होता है। जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर, तो अध्यापक होने की बात कर रहा हूँ ना, तो आई एम माने हूँ, हूँ या होना एक ही चीज़ है। मैं एक विद्यार्थी था, आई वॉज ए स्टूडेंट, तो था मतलब अपने विद्यार्थी होने की बात पीछे की बता रहा हूँ। मैं एक अध्यापक होऊंगा तो आगे होने की बात किया जा रहा, आई विल बी ए टीचर होगा, क्लियर। तो इज एम आर वाज वर विल बी, ये सभी बी से ही बने हैं, ठीक। तो प्रेजेंट टेंस में होना का अंग्रेजी जब अलग से बी नहीं रहेगी तो इज एम आर लिखा जाएगा। अब पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज वर लिखा जाएगा, क्योंकि बी का जो है फर्स्ट फॉर्म जो है, बी एफ मूल रूप है, अब बी का फर्स्ट फॉर्म को ही प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म को ही क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसका सिनोनिम्स होता है इज एम आर, बी का मतलब इज एम आर। पास्ट टेंस माने वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम पास्ट टेंस भी कहते हैं, कल आपको बताए थे कल की क्लास में। तो पास्ट टेंस का मतलब होता है सेकंड फॉर्म, और बी का सेकंड फॉर्म वाज वर्ब होता है। बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, बी का सेकंड फॉर्म वाज और वेयर। और फ्यूचर टेंस में बी का स्वरूप बिल बी सेल बी होता है। अगर फ्यूचर टेंस में अलग से कोई क्रिया नहीं है वाक्य में, तो उसमें बिल या सेल के साथ हम बी लगा देंगे, वहाँ बी आपका क्या होगा, मेन वर्ब होगा। ये ना सोचिए सहायक क्रिया है, क्योंकि बी माने होना, मूल रूप को मेन वर्ब भी कहते हैं, चाहे बी का हो चाहे इज एम आर। बात यह है कि बी ओरिजिनल रूप में अपने केवल बिल या सेल के साथ ही आती है, बाकी सभी के साथ बी नहीं आ सकती है। इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बी ई नहीं हो सकती है, इसलिए इज एम आर आता है। पास्ट इंडेफिनिट में नहीं हो सकता बी का प्रयोग, इसलिए वाजवर आता है। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में बी अपने मूल रूप में आ जाती है, मतलब बी जैसे बनी है उसी रूप में आ सकती है। यानी कि बी की ही सभी शाखाएँ हैं, बी सभी का क्या है, मालिक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब कोई अन्य क्रिया नहीं रहती है, डू डज ये सब नहीं रहता है फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आती है, बी इज एम आर को भेज देती है। पास्ट इंडेफिनिट में वाज या वर्ग को भेज देती है जब कोई क्रिया नहीं रहती, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट अपने आप ही आती है, खुद काम करती है। यहाँ तक बात समझ में आया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बी के रूप अक्सर इससे परीक्षा में दो नंबर का आता है भरने के लिए। जैसे कैसे आएगा, जैसे दे देगा आई डैश ए टीचर, कोष्ठम कह देगा बी का, बी लिख देगा, कहेगा बी का सही रूप भरो, तो क्या भरोगे, आई डैश ए टीचर या स्टूडेंट कुछ भी हो, तब आपको यहाँ भरना पड़ेगा आई एम। बी का सही रूप यहाँ क्या भरा जाएगा, आई एम, क्योंकि आई एम ए टीचर हो जाएगा। अब सोचोगे आई का आई एम कहाँ से है, बी से है। अगर ऐसे दे देगा आई डैश टू स्कूल, ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं देगा, आई डैश इन स्कूल कह दीजिए, इन स्कूल स्टडी, मैं कल स्कूल में, अब बी का सही रूप भरना तो क्या था हो जाएगा, क्योंकि स्टडी का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, तो वहाँ आपको वाज ही लगाना पड़ेगा। इस तरह से कहीं अगर संकेत मिल जाएगी, स्टडी हुआ, एगो हुआ, ठीक है, तो कोई भी पास या इन 1947 कोई भी सन हो, मतलब स्टडी एगो, एगो माने भी पहले होता है, जैसे ही केम एगो वह पहले आया, स्टडी है, एगो है, या लास्ट नाइट है, जैसे लास्ट से ही डाइड लास्ट नाइट, वह पिछली रात को मर गया, और ही केम स्टडी वह कल आया, ही इंडिया बीकेम फ्री 1947, भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, यानी कि कोई समय रहता है, स्टडी जैसे हुआ, एगो हुआ, कोई सन है, लास्ट है, इनके साथ अगर कोई टाइम बताया जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता, ठीक, नहीं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते हो, किसी भी टेंस में लिख सकते हो आवश्यकता अनुसार। तो चलिए देखते हैं अब इसका, इसका अर्थ, अर्थ भी यहाँ दिया गया है, देखिए इसका अर्थ है होता है या होता है, दो अर्थ होता है इसका ना बताया भी, है भी होता, होता है, दोनों जानो अच्छे से, ये सब बेसिक है, छोटे छोटे वाक्य जानोगे तभी बड़े वाक्य करोगे। है कैसे होता है, जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, भी इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है। होता है बता दिए, मिल्क इज वाइट, स्टीम इज हॉट, दूसरा उदाहरण जैसे स्टीम इज हॉट, केवल इसी का ना कुछ अपने मन से भी उदाहरण अपने माइंड में सेट कर सकते हो समझने के लिए। जैसे भाप गर्म होती है, स्टीम इज क्या, हॉट, स्टीम माने होता भाप, क्लियर। आइस इज कोल्ड, बर्फ ठंडी होती है, तो इज माने होती है या होता है, है दोनों होता है, इतना समझ में आया। आगे आर का अर्थ है पे बूंदी है, बूंदी ये बताता है कि बहुवचन है, जैसे कक्षा में लड़के हैं,
ठीक है, कक्षा में क्या हैं, लड़के हैं, तो देयर आर बॉयज, या स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो क्योंकि लड़के विद्यार्थी हैं, देयर आर बॉयज इन द क्लास, देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, हैं मतलब ज़्यादा लड़के हैं, हाय पे बुंदी नहीं है तो जान लीजिए एक वचन है। अब होते हैं भी, होते हैं भी हो सकता है आर का, मतलब यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो, यू के साथ आर लगा दो तो उसका अर्थ हाय नहीं कहा जाएगा, हो कहा जाएगा, होता है ना, इस टेंस में भी आपको ये काम देगा, यहाँ भी जानते रहिए। अब होते हैं भी हो सकता है, क्लियर, होते हैं भी हो सकता है, जैसे हम कहते हैं कि चिल्ड्रेन आर हैप्पी आफ्टर गेटिंग टॉयज, बच्चे खिलौना पाने के बाद क्या होते हैं, खुश होते हैं, तो होते हैं भी आ जाता है। आई एम का अर्थ हूँ होता है, आई एम का अर्थ क्या होता है, हूँ, जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, इस तरह से कोई भी हो सकता है। ई जे एम आर का तीनों का अर्थ आपके समझ में आ गया क्या क्या होता है, इस किताब में इस तरह से आप पढ़िए, दोहराइए, हर चीज़ समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया, इसका रूल भी यहाँ दे दिया, नियम दिया गया, ही सी इट तथा अन्य कोई एक वचनकर्ता होने पर इनके साथ इज का प्रयोग होता है। इज का प्रयोग कहाँ होता है, अभी जान लीजिए आप, ही सी इट नेम, किसी का नाम रहेगा, ही सी इट रहेगा, इनको एक वचन माना गया, इनके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि यहाँ पढ़ोगे आपको छोटे वाक्य भी बना ले जाओगे, टेंस में भी काम देगा। और वी यू दे, नियम दो भी देख लीजिए, नियम दो क्या है कि वी यू दे तथा अन्य कोई बहुवचनकर्ता होने पर उनके साथ क्या लगता है, आर का प्रयोग होता है। ठीक, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। देखिए अगला तीसरा रूल आपको जो दिया गया है, केवल आई के साथ एम का प्रयोग होता है, एम का प्रयोग कहाँ होगा, आई के साथ। निम्नलिखित उदाहरणों पर ध्यान दो, अब यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, बना के दिया गया, आप इसको पढ़ के समझ लीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज करने में तनिक भी समस्या ना हो, क्योंकि इसी के आधार पे आप एक्सरसाइज कर लेंगे। जैसे मैथ क्या होता है, मैथ में हम उदाहरण सूत्र जान लेते हैं, उदाहरण लगा लेते हैं, तो अपने आप प्रश्नावली हल कर सकते हैं ना, उसी तरह से यहाँ भी नियम जान लिए, उदाहरण समझ लेंगे, तो आपको एक्सरसाइज करने में 100% समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं फटाफट उदाहरण, और हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की भी इंग्लिश आपको बताएंगे। राकेश चलाक है, तो राकेश इज क्लियर, तो हैक अंग्रेजीज हो गया। वह यहाँ है आज, वह आज यहाँ, ही इज हियर टूडे, हियर माने यहाँ। वह अपनी कक्षा की सबसे अच्छी लड़की, सी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ हर क्लास, बेस्ट माने होता सबसे अच्छी। तुम्हारा भाई आलसी है, योर ब्रदर इज लेजी। वह सफ़ेद भालू है, इट इज ए वाइट बियर। देखिए वैसे दैट माने वह होता है, ही माने वह होता है, लेकिन आदमी के लिए ही लगता है, दैट किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लगता है, जैसे दैट इज ए कैट, वाय एक बिल्ली है, दैट इज ए बियर, वाय एक भालू है, कोई भी दूर, लेकिन इशारा नहीं किया जा रहा है, तो वह की अंग्रेजी इट भी लगता है, क्योंकि इट का प्रयोग जो होता है जानवरों के लिए भी होता है, अगर कोई पालतू जानवर है तो उसके लिए ही या सी का भी प्रयोग होता है, जैसे गाय के लिए हम सी लगाते हैं, ठीक है, और कोई भी कुत्ता है तो उसके लिए हम भी लगाते हैं, क्योंकि पालतू है, तो अगर पालतू नहीं है तो इट लगता है, कोई भी जानवर हो, बात समझ में आया, क्यों इट लगा है उसको भी बता दिए। तो यहाँ इट मतलब होता है जानवर के लिए लगा है, भालू के लिए लगा, ठीक, वैसे भी छोटे किस्म के जो भी जानवर हैं उनके लिए इट ही लगते हैं, यहाँ पालतू का सेंस नहीं बताया जा रहा है, जैसे कोई भी भालू है तो उसको बता दिया जा रहा है, हाँ वह एक भालू है, ठीक, इट इज ए वाइट बियर, वैसे यहाँ दैट भी लगाया जाता तो गलत नहीं होता, तब ये माना जाता कि इशारा किया जा रहा है, सही दोनों। तुम कायर हो, यू आर ए कवर्ड, कवर्ड माने होता कायर, जैसे कार मतलब जैसे रात को अभी 10 बजे कहा जाए कि चाहो खेत में से सब्जी तोड़ लाओ या कोई भी काम कर लो, तो आप कहोगे मैंने वहाँ नहीं जाऊँगा, भूत रहेगा, पकड़ लेगा, 10 बजे ही डरने लगे, 11-12 बजे तो जाएंगे ही नहीं, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, कायर, ठीक है, झूठे देख लेंगे रस्सी तो कहेंगे सांप है, तो रात को, तो ऐसे लोग बहुत डरते हैं, उनको कायर कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं, हम अच्छे नागरिक हैं, वी आर गुड सिटीजन्स, हम हैं, अब देखिए हर पे बुंदी है ना, इसलिए आर लगेगा, इतना ध्यान देना, सिटीजन्स माने नागरिक। वे भूखे और थके हुए हैं, दे आर हंग्री एंड टायर्ड, हंग्री माने भूखे, टायर्ड माने थके हुए। सभी लड़के कक्षा में उपस्थित हैं, ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट इन द क्लास, प्रेजेंट माने होता है उपस्थित भी होता है, जैसे प्रेजेंट होता है, एबसेंट होता है, एबसेंट माने अनुपस्थित। मैं आपका विश्वास पात्र हूँ, आई एम योर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट माने होता है विश्वास पात्र। सूर्य गर्म होता है, सन इज हार्ड, देखिए इज माने होता है आ गया ना। फूल सुंदर होते हैं, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, देखिए यहाँ आर माने होता है आ गया कि नहीं आ गया, होता है या होते हैं, ये सब आपको हम चर्चा किए ना, यहाँ मिल रहे हैं। चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं, आप लोग करके लाए हो घर से तो एक्सरसाइज को मिला लीजिए, अगर नहीं किए हो तो तत्काल लिख लीजिए या समझ लीजिए, बाद में लिख लेना। और देखते हैं, वह तुम्हारा घनिष्ठ मित्र हैं,
तो इसका पहले आप लोग अपने माइंड में सोच सकते हैं, जो नहीं बनाए हो, बनाए हो तो अच्छी बात है, तो उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, कन्फर्म हो जाएगा। वह तुम्हारा घनिष्ठ मित्र है, तो इसकी अंग्रेजी में ही इज, वह है, योर तुम्हारा, क्लोज्ड फ्रेंड या इंटीमेट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड। किताब में घनिष्ठ की अंग्रेजी दिया, दो अंग्रेजी दिया, इंटीमेट माने भी घनिष्ठ होता है, फास्ट कहते ना हमारे बेटे फास्ट फ्रेंड है। एक शब्द और इसकी होता है CLOSED, क्लोज्ड माने भी घनिष्ठ होता है, क्लियर। तो ही इज योर फास्ट फ्रेंड्स या इंटीमेट फ्रेंड्स या क्लोज्ड फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। ही इज योर फास्ट फ्रेंड या क्लोज्ड फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड, चाहे जो भी लिखे हो सब सही है। आगे समझ में, दूसरा देखते हैं। मेरा कुत्ता काला है, तो माई डॉग इज ब्लैक, माई डॉग मेरा कुत्ता इज ब्लैक। जैसे इसमें क्या होता है कि है, एक बात ये भी जानिए, सब्जेक्ट पता करने का तरीका सुन लीजिए। सब्जेक्ट कैसे जानोगे, वाक्य की क्रिया में कौन लगा के प्रश्न कर लिया करिए, कौन या किसने, तो जो उत्तर आएगा, जितना एक शब्द आएगा तो वही एक सब्जेक्ट लिखा जाएगा, दो शब्द आएगा दोनों इकट्ठा लिखा जाएगा, ज़्यादा आएंगे जितना आएंगे उत्तर में एक साथ उसको एक साथ लिखा जाएगा, ठीक। और वर्ब कैसे जानोगे, वर्ब हिंदी वाक्य के अंत में आएगी, कहाँ आएगी, अंत में आएगी, उसी में प्रश्न कर लिया करो तो सब्जेक्ट पता चल जाएगा। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो बचेगा बीच वाला ऑब्जेक्ट लिख दिए, ठीक। ऑब्जेक्ट भी पता करना चाहो तो वर्ब में क्या प्रश्न कर लिया करो, ठीक है। अब क्या क्या या किसे प्रश्न करोगे तो ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा, फिर उसके बाद जो बचेगा लास्ट में लिखा जाएगा। ये सब हम आपको अप्रैल से ही पढ़ाए थे, हम लिखवाए भी हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सब क्या होता है, क्लियर। और फिर आगे आपको फिर मिलेगा, हम पढ़ाएंगे आगे, फिर मिलेगा जो नहीं लिखे हैं, और जो लिखे हैं वो अपना दोहरा लेंगे, कोई समस्या होगी पूछ लेंगे। देखिए, मेरा कुत्ता काला, माई डॉग इज ब्लैक, मैं एक अवकाश प्राप्त अध्यापक हूँ। इसकी अंग्रेजी की आई एम, मैं हूँ, पहले सब्जेक्ट लिखेगा आई, आई एम माने हूँ, कौन है, मैं हूँ, तो मैं आ रहा है ना, इसके पहले वाले में कौन काला है, मेरा कुत्ता, तो मेरा कुत्ता आ रहा था, तो आई एम मैं हूँ, क्या हूँ, एक अवकाश प्राप्त अध्यापक। एक की अंग्रेजी ए लिखा जाएगा, अवकाश प्राप्त की अंग्रेजी किताब में दिया गया रिटायर्ड, दूसरे नंबर पर वर्ड मीनिंग दिया गया, आप नीचे देख लीजिए। आई एम ए रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड माने अवकाश प्राप्त, टीचर माने अध्यापक, क्या आई एम तो बताए, तो आई एम, आई नहीं, नहीं वैसा नहीं होगा, पहले लिखा जाएगा आई, सब्जेक्ट, उसके बाद लिखा जाएगा वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अगर आप कन्फ्यूजन में सुन लीजिए, वर्ब में आप प्रश्न कर लीजिएगा क्या, क्या या किसे प्रश्न करके ऑब्जेक्ट पता लगाया जाता है, तो पहले आप प्रश्न करिए क्या, तो क्या हूँ, तो कि जितना उत्तर आएगा उसको एक साथ लिखा जाएगा, एक अवकाश प्राप्त अध्यापक, इतना आ रहा है ना, तो पहले एक आ रहा है फिर अवकाश प्राप्त तब अध्यापक आ रहा है, तो अंग्रेजी में भी आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिटायर्ड एक आपका एडजेक्टिव है और टीचर नाउन है, अध्यापक तो बहुत होते हैं लेकिन रिटायर्ड हैं तो उसकी विशेषता बतला रहा है ना, तो जो विशेषता बतलाता है उसको नाउन के पहले ही लिखते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। आई एम ए रिटायर्ड टीचर, ऐसे लिखा जाएगा। अब बात समझ में आ गया, चलिए देखते आगे। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर, 100% पूरी गारंटी है आपको पूरा समझ में आएगा जितना पढ़ाएंगे, उसकी मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इतना ध्यान देना, पीछे जितना बताएं उतना आपको तैयार होना चाहिए, आगे समझ में पूरा आएगा, नहीं आएगा तो तुरंत पूछोगे तुरंत समझा देंगे। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, तो होगा प्रयागराज इज, प्रयागराज है, क्या है, ए फेमस सिटी, फेमस माने होता प्रसिद्ध, एफ ए एम ओ यू एस, फेमस सिटी, क्लियर। जिसकी स्पेलिंग आप ना लिख पाओ तो उसको भी पूछ सकते हो, वैसे सब सिंपल है आप कर सकते हो। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्म स्थली है, ए फेमस सिटी एक साथ रहेगा, क्योंकि क्या है, उत्तराग एक प्रसिद्ध नगर, प्रसिद्ध एडजेक्टिव है, नगर के पहले आ रहा है, ठीक। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, तो मथुरा इज मथुरा है, क्या है, बर्थ प्लेस माने जन्मस्थली, किताब में दिया है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, बर्थ प्लेस, जन्मस्थली किसकी है, भगवान कृष्ण की, तो उसकी अंग्रेजी होगा ऑफ लॉर्ड कृष्ण, ऑफ माने की होगा, पहले ऑफ लिखा जाएगा, लॉर्ड माने भगवान होता है, एल ओ आर डी, गॉड माने भी भगवान होता है वैसे, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में यहाँ लॉर्ड ही सही रहेगा, केवल कृष्ण ना लिखना होता तो हम गॉड लिख देते, इसे भगवान गॉड, क्लियर। लेकिन अगर नाम लिखना होता किसी देवता का, लॉर्ड कृष्ण माने भगवान कृष्ण, लॉर्ड शिव भगवान शिव, लॉर्ड राम भगवान राम, ऐसे लिखा जाता है, लॉर्ड एक एडजेक्टिव है, वो नाउन से पहले लिखा जाता है, अगर नाउन नहीं लिखना तो आप गॉड लिख सकते थे, क्लियर। यहाँ आप लॉर्ड लिखिए, एल ओ आर डी, लॉर्ड माने भगवान होता है, स्वामी होता है, भगवान होता है, कई अर्थ उसके होते हैं।
बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्ण, कृष्ण की स्पेलिंग KRISHNA, के बड़े से कर देना ठीक, क्योंकि की का अंग्रेजी पहले लिखा जाता है ठीक है, उसके बाद भगवान कृष्ण की, क्योंकि की एक एडजेक्टिव है, सॉरी प्रीपोजिशन है, तो नाउन के बाद जो प्रीपोजिशन आता है अंग्रेजी में वो पहले लिखा जाता है, प्रीपोजिशन तब नाउन लिखा जाता है ठीक। जैसे हम कहते हैं कि मड़ियाहू की बाजार, मड़ियाहू का बाजार, तो मार्केट ऑफ मड़ियाहू लिखेंगे, पहले का के बाद वाला लिखेंगे, फिर बीच वाला लिखेंगे, फिर उसके पहले वाला। उसी तरह से यहाँ भी है, श्री कृष्ण की जन्मस्थली, लॉर्ड कृष्ण की, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली, तो पहले जन्मस्थली अंग्रेजी लिखेंगे, बर्थ प्लेस तब ऑफ लिखेंगे, तब लॉर्ड कृष्ण लिखेंगे। क्लियर हो गया, इन सभी बातों का ध्यान दीजिए, इसी तरह से आपको ट्रांसलेशन करने में हेल्प मिल जाएगी। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, इसकी अंग्रेजी क्या होगा, आई एम क्वाइट, क्वाइट माने होता बिल्कुल, किताब में दिया है क्वाइट ऑल राइट, क्वाइट ऑल राइट माने बिल्कुल ठीक, या तो आप ऑल राइट ना कहते तो WWL लिख देते तब भी सही था, क्वाइट वेल माने भी बिल्कुल ठीक होता, क्वाइट माने बिल्कुल, वेल माने ठीक ठीक है, या तो ऑल राइट लिखो तब भी सही है। क्लियर, अगला है, इस गली के बच्चे शैतान हैं, शैतान है मतलब शैतान, शरारत के मारे इनको शैतान कहा गया, शरारत के नाते। तो देखिए, तो इस गली के बच्चे, तो पहले कौन शैतान है, इस गली के बच्चे, इतना पूरा आपका आ रहा है ना, तो पहले इतना पूरा आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो पहले लिखा जाएगा द चिल्ड्रेन ठीक है, द चिल्ड्रेन माने बच्चे, ऑफ दिस स्ट्रीट माने होता गली, किताब में दिया गया है द चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्ट्रीट, इस गली के बच्चे। उसके बाद है अंग्रेजी लिखा जाएगा आर, क्या लिखा जाएगा आर, शैतान, शैतान का अंग्रेजी किताब में देखिए दिया गया नाटी, नाटी माने होता शैतान, कहते हैं ना नाटी बॉय हो, शैतान लड़की हो, क्लियर, ये नाटी बॉय हो, एक शैतान लड़का, तो नाटी माने शैतान, वैसे शैतान का अंग्रेजी डेविल होता है, लेकिन लड़के को या जब या किसी आदमी को शैतान कहा जाता तब नाटी लिखा जाएगा। क्लियर, आगे है शैतान मतलब शरारती होता है, नाटी माने शैतान या शरारती। मेरे मित्र स्वस्थ और सुंदर हैं, तो माई फ्रेंड में यस जोड़ दिए, क्योंकि हैं दिया है इसका मतलब एक से ज़्यादा दोस्त हैं, मित्र हैं, माई फ्रेंड्स कर दीजिए, इसलिए आर, माई फ्रेंड्स आर मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, क्या हैं, स्वस्थ और सुंदर, स्वस्थ का मतलब क्या होता है, हेल्थी, किताब में दिया गया है, हेल्थ माने स्वास्थ्य होता है, स्वस्थ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में हेल्थी हो जाता है, जैसे हेल्थी गर्ल, स्वस्थ लड़की, हेल्थी बेबी ठीक है, स्वस्थ बच्चा, तो हेल्थी जो है नाउन से पहले आता है, और हेल्थ नाउन है स्वास्थ्य, क्योंकि एडजेक्टिव जरूरत है, इसलिए हेल्थ नाउन में वाई लगा देते हैं तो एडजेक्टिव हो जाता है, जैसे मिल्क माने दूध, मिल्की माने दूध जैसा सफ़ेदी, ब्लड माने खून, ब्लडी माने खूनी, ब्लडी पर्सन, खूनी आदमी, ब्लड पर्सन नहीं होता, क्लियर। इस तरह से एडजेक्टिव की जगह एडजेक्टिव ही लिखना है, यही तो बताया गया था आपको अभी ऊपर पढ़ते समय कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी आपको क्या करना है, ध्यान देना पड़ेगा ट्रांसलेशन करते समय, टेंस का ध्यान देना पड़ेगा ठीक। तो यहाँ इसीलिए हेल्थी दिया गया है, आपकी किताब में खुद दिया गया है, हेल्थ माने हेल्थी माने स्वस्थ होता है, और हेल्थ माने क्या होता है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और स्वस्थ अलग अलग शब्द है, क्लियर, वो नाउन है ये एडजेक्टिव। तो क्या है इसमें फिर से बता दे रहे हैं, तो हाँ, मेरा मित्र स्वस्थ और सुंदर, माई फ्रेंड फ्रेंड्स आर, माई फ्रेंड्स आर, फ्रेंड में यस जोड़ेंगे तार लग जाएगा, मेरे दोस्त हैं या मित्र हैं, क्या हैं, हेल्थी एंड ब्यूटीफुल, किताब में दिया गया है, हैंडसम भी दिया है ठीक है, ब्यूटीफुल माने भी सुंदर, हैंडसम माने, वैसे हैंडसम इसलिए लड़कों के लिए लगता है, आप बड़े हैंडसम दिख रहे हैं, लड़कों के लिए इसलिए हैंडसम का प्रयोग होता है, लड़कियों के लिए स्मार्ट का प्रयोग होता है, ब्यूटीफुल का प्रयोग होता है, लेकिन आजकल स्मार्ट सबके लिए लगने लगा है, इसलिए आप बड़े स्मार्ट दिख रहे हैं। क्लियर हो गया, तो अगर लड़का बताना तो स्पेशली आप हैंडसम बता दीजिए, नहीं तो आप चाहे स्मार्ट लगा दीजिए, ब्यूटीफुल दोनों लगा सकते हैं, आजकल स्मार्ट का भी प्रयोग वैसे होने लगा है सबके लिए। आगे है, तुम इस समय असमंजस में हो, तो यू आर तुम हो ठीक है, किस में हो, असमंजस में, इन कन्फ्यूजन, किताब में दिया असमंजस मतलब कन्फ्यूजन में होना, भ्रम में होना, समझ में ना आने की स्थिति में होना, यू आर इन कन्फ्यूजन एट दिस टाइम, इस समय का अंग्रेजी क्या होगा, एट दिस टाइम मान होता है इस समय, क्लियर, एट दिस टाइम और उस समय का एट दैट टाइम। आगे है अगला है, हम आजकल छुट्टी पर हैं, वी आर, हम हैं किस पर हैं, ऑन हॉलीडेज ठीक है, ऑन लीव चाह कर दिए, किताब में दिया है लीव माने भी छुट्टी होता है, हॉलीडे माने हॉलीडेज माने भी छुट्टी होता है, वी आर ऑन लीव,
हॉलीडे या लीव एक ही दोनों में से लिखा, किताब में ऑन लीव लिखा है इसको भी लिख सकते हो, वी आर ऑन लीव या ऑन ए हॉलीडे। हाँ आजकल का अंग्रेजी किताब में दिया नाउ ए डेज, नाउ ए डेज माने आजकल होता है, वैसे दिस डेज माने भी आजकल या इन दिनों होता है। ठीक है, शिशुओं के लिए दूध एक मात्र आहार है, तो सब्जेक्ट मिल्क लिखा जाए मिल्क इज ओनली, मिल्क इज द ओनली एकमात्र ओनली किताब में दिया गया है। ओनली फूड माने आहार, फार इन्फेंट्स, फार माने के लिए, इन्फेंट्स माने शिशुओं, शिशु माने इन्फेंट होता बहुवचन, मिल्क इज द ओनली फूड फार इन्फेंट्स हो गया, बेबी माने बच्चा होता है, शिशु माने इन्फेंट होता है। देखिए किताब में दिया शिशु मतलब बहुत छोटा सा बच्चा, उसको शिशु कहते हैं, और थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो बेबी कह सकते हैं। ओनली फूड किताब में दिया आहार कहेंगे ना, फूड फॉर इन्फेंट्स जो किताब में दिया वही लिख लीजिए, बेटर वर्ड है। लास्ट वाक्य आज्ञाकारी बच्चे सभी के प्यारे होते हैं, तो आज्ञाकारी बच्चे कहेंगे किताब में दिया द ओबेडियंट चिल्ड्रेन कह दीजिए, द ओबेडियंट चिल्ड्रेन, आज्ञाकारी बच्चे कौन होते हैं, आज्ञाकारी बच्चे, ये पूरा सब्जेक्ट आपको दोनों शब्द मिला के, द ओबेडियंट चिल्ड्रेन आर माने होते हैं, क्या होते हैं डियर, डियर माने या लविंग किताब में दिया है, लविंग माने प्यारा होता है या डियर माने भी प्यारा होता है। ठीक ना, द ओबेडियंट बॉय चिल्ड्रेन आर डियर टू आल, सभी के लिए का अंग्रेजी क्या होता है टू आल, वैसे आफ माने भी के होता है, आफ आल या टू आल का। ठीक है, द ओबेडियंट चिल्ड्रेन आर डियर टू आल या लविंग टू आल, आप समझ गए ना, लविंग माने भी प्यारा, डियर माने भी प्यारा, समझ में आ गया, तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बस की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में आपको इसका निगेटिव बताया जाएगा और उसकी एक्सरसाइज बताई जाएगी जितना भी हो सकेगा। मिलते हैं कल अगली क्लास में।